नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णेंदु सेन और ये वीडियो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की। ठीक है, मैंने इससे पहले लगभग 7 वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो बीच में जो फेज 2 आई या फिर मेडिकल आई एयरफोर्स रिलेटेड, तो उसके वीडियो बनाते बनाते मेरा टाइम नहीं बचता था जो इसके लिए बनाऊँ, लेकिन अब वो सारे ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, मेडिकल है अभी भी बाकी, मेडिकल है, रीमेडिकल है, लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब ये सब हो जाने के बाद PSL निकलेगी, जिसमें आप लोग सिलेक्टेड है या नहीं वो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी जो सामने में जो एग्ज़ाम है 13 अक्टूबर से 01/2024 वाला, उसके लिए ये क्लास है। अगर कोई GD के लिए भी तैयारी कर रहा तो उसे भी बेनिफिट करेगा। तो आज का जो सेशन है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 8। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको अगर हेल्पफुल लगा तो आप उसे कंटिन्यू कीजिए या फिर कमेंट कीजिएगा मुझे। ठीक है, ताकि मुझे उत्साह मिले और वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरा तो ऐसा डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मेरा 1 घंटा तक रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसे टच करूँगा, कोई से आते रहेगा, लिखना पड़ता है, हर कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो अगर कॉमेंट भी मिले कि हाँ सही हो रहा है या फिर समझ पा रहे, तो वो मोटिवेट करता है। ठीक है, तो कॉमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज 2 रूल पढ़ेंगे। जो आज का जो रूल है वह है आपके कलेक्टिव नाउन के ऊपर, कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन किसका? लिविंग बींग्स का, लिविंग। इसमें अगर बोलूं कि अ बंडल ऑफ स्टिक, तो ये जो बंडल वर्ड है ये भी कलेक्टिव नाउन है, स्टिक का बंडल। ठीक है, लेकिन ये तो नॉन लिविंग के लिए है ना। मैं यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन की बात करूँगा वो होगी लिविंग। वो क्या होगी? वो होगी लिविंग। ठीक है, जैसे मैं अगर बोलूँ क्राउड, तो ये लिविंग होती है ना, काफ़ी सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा हो जाता है उसे मॉब या फिर क्राउड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के बारे में अगर बोलूँ ये सब के बारे में, तो एक है आपकी फैमिली, फैमिली, फिर है आपकी जो बेंच बैठती है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, जूरी, फिर यूनियन, फिर आपकी जैसे हो गई आर्मी, फिर हो गए क्रू मेंबर्स, क्रू। ठीक है, फिर जैसे हो गई आपकी टीम। ये सब जो वर्ड है ये सब क्या है? ये सब कलेक्टिव नाउन है, लेकिन लिविंग बींग्स का, और भी है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन है लिविंग बींग्स का, जैसे फैमिली, जूरी, यूनियन, टीम, क्रू, आर्मी। ये सब नॉन लिविंग से नहीं बनता, ये सब लिविंग बींग्स से ही होता है। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है कलेक्टिव नाउन का। तो इसके बाद जो वर्ब आएगी ना, इसके बाद जो वर्ब आएगी ये सिंगुलर भी हो सकती है, ये सिंगुलर भी हो सकती है, और ये वर्ब आपकी प्लूरल भी हो सकती है। ये जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर भी हो सकती है, वो आपकी प्लूरल भी हो सकती है। तो अब क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि कब सिंगुलर होगी और कब प्लूरल होगी। ठीक है, अब एक बार फिर से इतना तक देख लीजिए कि जो कलेक्टिव नाउन है लिविंग में, बार बार कह रहा हूँ लिविंग में, जैसे फैमिली, आर्मी, जूरी, क्रू, यूनियन, टीम, फिर जैसे और है आपका जैसे ऑडियंस, ये सब जो तमाम वर्ड है ये सब आपका है लिविंग में कलेक्टिव नाउन। इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। तो अब दिमाग में आपका सवाल आएगा कि कब होगी, कब मैं समझूँ कि यहाँ पर सिंगुलर है आएगी या फिर प्लूरल। तो जब क्वेश्चन आपको, तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा ना, एक सेंस देता है कि नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर यूनिटी दर्शा रहा है या फिर इंडिविजुअलिटी दर्शा रहा है। तो जब सेंटेंस में यूनिटी शो करे, यूनिटी को रिप्रेजेंट करे, तब वो सिंगुलर होगी। जब सेंटेंस इंडिविजुअलिटी को शो करे, इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअल, जब यूनिटी के बारे में बात करे तो वो सिंगुलर होगी, जब इंडिविजुअल का बात करे तब वो प्लूरल होगी। फिर से देख लीजिए, कलेक्टिव नाउन के बाद, लिविंग कलेक्टिव नाउन के बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वो प्लूरल भी हो सकती है। सिंगुलर कब होगी? जब सेंटेंस यूनिटी को शो करेगा, जब सेंटेंस यूनिटी को शो करेगा तब आपकी सिंगुलर होगी, और जब सेंटेंस इंडिविजुअलिटी को शो करेगा तब वो आपकी प्लूरल होगी। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ऐसे मैं अगर लिखूं, द टीम हैव वॉन द मैच, द टीम हैव वॉन द मैच,
द टीम हैव वॉन द मैच। अब देखिए ये जो द टीम है ये क्या है आपकी कलेक्टिव नाउन है लिविंग बींग, कलेक्टिव नाउन है लिविंग बींग। इसके बाद ये है वर्ब। अभी ये सिंगुलर होगी या प्लूरल समझते हैं। सिंगुलर होगी कब, जब यूनिटी को शो करेगा। प्लूरल होगा कब, जब इंडिविजुअलिटी को शो करेगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है द टीम हैव वॉन द मैच, यानी जो टीम है उसने मैच को जीता है। तो अब ये यूनिटी से हुआ है या फिर इंडिविजुअलिटी के दम पर हुआ है। अब आप में से कोई अगर क्रिकेट प्रेमी रहेंगे तो आप बोलेंगे नहीं वो स्टंप किया था इसलिए गेम जीता, वो लास्ट मोमेंट पे 6 छक्का मार दिया इसलिए जीता। बट देखिए हाँ होता है, वो मैन ऑफ द मैच होता है, लेकिन उसमें तो 11 के 11 प्लेयर का ही अनुदान रहता है ना, योगदान रहता है ना उनका, होता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है कि नहीं सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए जीता, उसने लास्ट मोमेंट पे खींच दिया हो, लेकिन जो इंटायर जो गेम हो तो एक जन को लेकर नहीं हुआ, वो टोटल 11 प्लेयर लेके हुआ है। तो जीतने का जो काम है वो एक टीम के द्वारा होता है, ना कि एक जन के द्वारा। ठीक है, यानी ये यूनिटी को शो कर रहा है। तो जब ये यूनिटी को शो करेगा तब वर्ब प्लूरल ना होके क्या होगी, सिंगुलर। सिंगुलर होने से यहाँ पर क्या हो जाएगी, हैव के बदले हैज आएगी। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, जैसे द टीम हैज़ वॉन द मैच। ठीक है, अब मैंने काफ़ी सेंटेंस लिखे हैं, अब वहाँ से करेंगे। रूल याद अपने मन में याद कर लीजिए, ये जो है द ज्यूरी, कोर्ट में जो बेंच बैठती है ना उसे ज्यूरी कहते हैं। द ज्यूरी हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनेनिमसली। सेकंड, द ऑडियंस has taken their seats. Third question, the audience are watching the movie in the theater. करिए सोचिए क्या होगा। The jury have given its verdict unanimously. फिर the audience has taken their seats. फिर the audience are watching the movie in the theater. अब आप सोचिए कि कहाँ पर wrong है। आप वीडियो को pause कर ले और सोचिए। तो आई होप आप लोगों ने पॉज किया होगा और सोचा होगा खुद से। अब देखिए यहाँ पर है द ज्यूरी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखिए, कलेक्टिव नाउन, ठीक है, लिविंग में। फिर यहाँ पर द ऑडियंस, कलेक्टिव नाउन लिविंग में। फिर है यहाँ पर द ऑडियंस, कलेक्टिव नाउन लिविंग में। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना सीखिए, तब ना आप किसी बीमारी का दवा कब देंगे, जब आपको बीमारी पता चलेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर वर्ब है गिवन इट्स वर्डिक्ट यूनिमसली। यूनिमसली का मतलब होता है एकमत। इसका मतलब होता है एकमत, एकमत से। यूनिमसली का मतलब होता है एकमत से, यूनिटी के साथ। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट कुछ अगर वर्डिक्ट निकालता है तो वो सब इकट्ठा होकर तीन जजेस का बेंच या फिर 4 जज बेंच होती है और वो इकट्ठा होकर कुछ निकालती है, कुछ डिसीजन आती है, राय आती है कि नहीं अब से ये लागू होगा। तो वो सब जितना जन है उस कमेटी में, उस कमेटी का जो एकमत है ना वो कि हाँ डिसीजन से हम एकमत है। तो ये यहाँ पर यूनिटी शो करती है। तो जब यूनिटी शो करेगी और कलेक्टिव नाउन से जो सेंटेंस है शुरू होगी, तब यूनिटी शो करने से वो वर्ब क्या लेती है, सिंगुलर। और जब यूनिटी शो नहीं करती है, जब इंडिविजुअलिटी शो करती है, तब वो कैसी वर्ब लेती है, प्लूरल। तो यहाँ पर यूनिटी शो कर रही है, यूनिवर्सली का मतलब एक होता है एकमत से। यूनिटी शो कर रही है यहाँ पर, तो यूनिटी शो कर रही है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर हैव के बदले हैज़ होगी, यहाँ पर हैव के बदले हैज़ होगी। ठीक है, यहाँ पर हैव के बदले हैज़ होगी। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, लिखा हुआ द ऑडियंस हैज़ टेकन देयर सीट्स।
ठीक है, ऑडियंस जो है वो अपने अपने सीट्स ले लिया है। अब देखिए सीट्स लेने का जो काम है ये यूनिटी में होती है या फिर इंडिविजुअली होती है, सोचिए। सीट्स लेने का जो काम है वो तो आपकी इंडिविजुअली होती है ना, एक साथ थोड़ी होता है, एक साथ कोई सीट नहीं भी ले सकता आप, मतलब मेरा बोलने का मतलब है सोचिए एक हॉल में 500 जन बैठ सकता है तो क्या 500 एक साथ घुसता है और एक साथ बैठता है, ऐसे करके नहीं बैठता है ना। हो सकता है 9 बजे 5 जन आके बैठा, फिर 9:05 तक और 20 जन आके बैठा, फिर 9:10 तक और 70 जन आके बैठा, ऐसा करके होता है ना। ऐसा थोड़ी एकदम एग्जैक्ट 9 बजे 500 जन आके खड़ा होता है फिर जब बोलता सीट तो एक साथ बैठता है, ऐसा तो नहीं होता। अपने अपने टाइम से आता है सब, 5 मिनट 10 मिनट इधर उधर करके। तो ये जो सीट लेने का जो काम है कहीं भी हो, यहाँ पर हॉल का बात हो रही है, ये स्टेडियम भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका जो सीट लेने की काम होती है ये होती है आपकी इंडिविजुअल में। तो इंडिविजुअल जब सो होती है सेंटेंस में तब वो कौन सी वर्ब लेती है, प्लूरल। तो यहाँ पर हैज के बदले क्या आएगी, हैव। हैज के बदले यहाँ पर क्या आएगी, हैव। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, द ऑडियंस आर वॉचिंग द मूवी इन द थिएटर। अब जो मूवी देखने का काम है ये यूनिटी में होती है या फिर इंडिविजुअली होती है, सोचिए। मूवी देखने का जो काम है ये इंडिविजुअली होती है या फिर यूनिटी में होती है। तो अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये जो फिल्म चल रही है ना इसे तो मैं एक साथ देख रहा हूँ, जैसे अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद और कोई देख रहा होगा, तो एक लाइव होता तो शायद अगर 100 जन ऐड होता या फिर 50 जन तो एक साथ देखता ना। तो फिल्म जब सिनेमा हॉल में PVR में जब फिल्म होती है, जब मूवी चलती है तब तो सब एक ही साथ देखता है, ऐसा थोड़ी होता कि वो बाद में आके देखा वही सीन, ऐसा तो नहीं होता, कट जाता है, वो दूसरा देखना पड़ता है जो चल रहा है अभी। तो जो फिल्म देखने का काम है वो सब एक साथ होती है, तो यूनिटी में होती है। तो जब यूनिटी शो करेगी तब आएगी आपका प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर आर के बदले हो जाएगी इज। अब आप इसको, इस जो सेंटेंस है इसको अच्छा से सोचिए, ठीक है। मिटाता हूँ ये, अब इसके बाद दूसरा रूल सीखेंगे। अब है आपके पेयर वर्ड्स जो एंड से कनेक्टेड रहेगी। मैंने जब पहला सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूट्यूब में डालना शुरू किया था तब भी मैंने पेयर वर्ड्स की बात की थी, लेकिन वो थी आपकी लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स में जैसे राम एंड सीता लिविंग बींग्स दोनों हैं, काउ कैट्स एंड डॉग्स ये भी लिविंग बींग्स है। तो इस बार जो पेयर वर्ड्स है ये एंड से कनेक्टेड होगी, लेकिन ये नॉन लिविंग बींग्स होगी। क्या होगी, नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है, नॉन लिविंग बींग्स। क्या होगी ये, नॉन लिविंग बींग्स। जैसे इसके पहले जो मैंने अभी पढ़ा वो क्या था, कनेक्टेड नाउन लिविंग बींग्स, ये है पेयर वर्ड्स नॉन लिविंग बींग्स, एंड से कनेक्टेड होगी। जैसे आपको मैं बताऊँ, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये देखिए एंड से कनेक्टेड है, क्या ये लिविंग बींग्स है, नहीं है ना, ये नॉन लिविंग बींग्स है। तो इस टाइप का जो सवाल बनती है वो काफ़ी कन्फ्यूज़ कर देती है, जिन्हें नहीं पता है या फिर जो इस रूल से या फिर इस प्रोसेस से अवगत नहीं है उसे तो काफ़ी दिक्कत होगी, क्या होगी यार, प्लूरल ये भी सही लग रहा है वो भी सही लग रहा है, ऐसा होता है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलती इसलिए होता है क्योंकि हर कोई को लगता है ये सही है ये हो सकता है, ऐसा करके हम तुक्का मार देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो कभी कभी ज़्यादा गलत हो जाता है तो नेगेटिव भी खाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो पेयर वर्ड्स है नॉन लिविंग में, इसके बाद जो वर्ब आती है ये भी सेम मतलब सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सेंस कैसा है सेंटेंस में। यहाँ पर जो नॉन लिविंग जो चीज़ है जो एंड से कनेक्टेड है ये किस टाइप की सेंस आपको समझाना चाहती है, सिंगुलर का सेंस अगर समझाना चाहती है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल का सेंस समझाना चाहती है तो प्लूरल होगा। जैसे मैं अगर कहूँ कि ब्रेड एंड बटर आर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट बटर माने सॉरी ब्रेकफास्ट। अब अगर यहाँ पर देखूँ जो ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट है, अब जब हम ब्रेकफास्ट खाते हैं ब्रेड एंड बटर कैसे खाते हैं, ब्रेड लेते हैं उसके ऊपर बटर देके उसे ई करते हैं फिर खाते हैं ना,
तो अलग अलग तो नहीं लेते कि नहीं सबसे पहले ब्रेड का एक टुकड़ा फिर बटर एक चम्मच, ऐसे तो नहीं खाते हैं, ये दोनों मिला के हम लोग खाते हैं। तो ये यहाँ पर किस क्या सेंस आपके सामने दर्शा रही है, सिंगुलर सेंस, तो ये सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा। तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट होगी, ठीक है, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट होंगी। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं, उससे पहले कुछ मैं वर्ड लिखा देता हूँ जो आती है, जैसे ऊपर लिख देता हूँ आप लोग देखिएगा। एक तो हुआ जैसे ब्रेड एंड बटर, ठीक है, दूसरा है जैसे राइस एंड करी, फिर आपका जैसा आ जाएगी राइज एंड फॉल, फिर जैसे हो जाएगी ब्रेड एंड बटर राइस एंड करी राइज एंड फॉल स्लो एंड स्टडी, फिर और भी है एज एंड एक्सपीरियंस, एज एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, ये तमाम वर्ड्स जो नॉन लिविंग है और एंड से कनेक्टेड है, आप ये याद रखिए, मैं ये मिटा रहा हूँ, ये जो पेयर वर्ड्स है नॉन लिविंग में जो एंड से कनेक्टेड होती है, उसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सेंस किस टाइप का वो शो कर रहा है। अगर सेंटेंस में जो सेंस आ रही है वो अगर सिंगुलर की आ रही है तो वर्ब सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल की आ रही है तो वर्ब प्लूरल होगी, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ, स्लो एंड स्टडी, विन द रेस सेकेंड, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वेयर नॉट क्लियर, थर्ड है टाइम एंड टाइड वेट फॉर लॉन्ग। अब देखिए पहला जो सेंटेंस है, पहले आप खुद सोचिए, पॉज कीजिए, सोचिए, आई होप यू हैव पॉज द वीडियो एंड थिंक। पहला सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, देखिए एंड से कनेक्टेड है ये दोनों जो है, स्लो एंड स्टडी नॉन लिविंग है। अब देखते हैं कि ये क्या सेंस बनाती है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस, अगर मैं स्टडी को हटा दूँ सिर्फ स्लो को पढ़ूँ, स्लो विन द रेस हो सकती है, नहीं हो सकती ना, अगर मैं स्लो को ढक दूँ और स्टडी विन द रेस हो सकती है, नहीं हो सकती, ऐसा तो होती नहीं है, प्रोवर्ब है स्लो एंड स्टडी विन द रेस, वो जो खरगोश वाला था कि खरगोश को कछुआ हरा दिया था, खरगोश सो गया था, कछुआ जीत गया था, वो वाला है, ठीक है। तो स्लो एंड स्टडी मिल के विन द रेस होती है, स्लो एंड स्टडी अगर कोई रहा स्लो बट स्टडी भाई स्लो एंड स्टडी देन ही कैन विन द रेस, यानी ये दोनों एक साथ यानी सिंगुलर का बात हो रही है, तो सिंगुलर अगर बात हो रही है तो जो भर्ब है वो सिंगुलर होगी। और मैंने पहले भी कहा है कि जब नाउन के साथ हम एस या फिर ई एस लगाते हैं तो ये प्लूरल होती है, लेकिन भर्ब के साथ अगर एस या ई एस लगाते हैं तो ये सिंगुलर होती है। तो इस टाइम ये जो भर्ब है इसको मुझे सिंगुलर बनाने के लिए इसको एस लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वेर नॉट क्लियर, सम अगर मैं सब्सटेंस को छोड़ दूं और सिर्फ इतना पढ़ूँ, द सम ऑफ हिज स्पीच वर नॉट क्लियर, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हो रही है, ऐसे भी पढ़ूँ तो नहीं हो रही है, लेकिन जब मैं इस दोनों को मिला देता हूँ एंड से कि सम एंड सब्सटेंस, तो इसका मतलब होता है सार संक्षेप समरी, ठीक है। तो ये अब एक साथ आ रही है, सिंगुलर जो है वो शो कर रही है, सिंगुलरिटी शो कर रही है, तो इस टाइम में क्या होगी, जो वर्ब है वो आपकी सिंगुलर होगी, तो द सम एंड सब्सटेंस ऑफ हिज स्पीच वेयर के बदले वॉज आएगी, वॉज,
द सम एंड सब्सटेंस ऑफ स्पीच वॉज नॉट क्लियर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नॉन. अब देखते हैं ये क्या है. अगर मैं बोलूं कि टाइम वेट फॉर नॉन, गलत है? नहीं है ना. सच में तो टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है. अगर मैं बोलूं टाइट वेट फॉर नॉन, गलत है? हालांकि तब वेट टाइट्स वेट्स होगा, ठीक है. टाइम वेट्स फॉर नॉन होगा, टाइड वेट्स फॉर नॉन होगा जब सिंगुलर में यूज़ कर, मैंने जब सिंगल सिंगल करके यूज़ करेंगे. तो टाइम भी किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइड भी किसी के लिए नहीं रुकता है. तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं तैयार हो रही है. कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस तुम है, तुम हो तो मैं हूँ, यानी दोनों मिल के एक कुछ, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, उस टाइप का. तो यहाँ पर जैसे सम एंड सबस्टेंस को मिल के एक मीनिंग आ रही है, सार संक्षेप समरी. टाइम स्लो एंड स्टडी मिल के क्या हो रही है, रेस जीत रही है. लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम और टाइडी मिल के किसी के लिए नहीं रुकती. टाइम अकेला भी किसी के लिए नहीं रुकता, टाइड भी किसी के लिए नहीं रुकता. टाइड दो बार होती है, वो हो गए, ठीक है. यानी ये सिंगल भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एक ऊपर मैंने ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, ठीक है. तो इस टाइम में क्या होगी, ये प्लूरल होगी. तो ये अगर प्लूरल हुआ तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और यहाँ पर वर्ब प्लूरल ही है. तो इस सेंटेंस में गलत नहीं है, नो एरर. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन. अगर यहाँ पर वेट्स होता तब गलत हो जाता, क्योंकि भर के साथ अगर मैं एस लगा दूँ तो वो सिंगुलर हो जाएगा. लेकिन यहाँ तो सेंस प्लूरल की है तो मुझे भर प्लूरल चाहिए. तो यहाँ पर भर तो ऑलरेडी प्लूरल ही है, तो इससे मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नॉन. तो आज का वीडियो बस इतना ही, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद. जय हिंद.